नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि booking.com में रूम कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि booking.com में प्रॉपर्टी कैसे रजिस्टर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि booking.com में रूम किस प्रकार क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये booking.com एक्सटरनेट की अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली है। इसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं booking.com के बाजू में दिए हैं जयसवाल होम स्टे, ये मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। इसके बाद होम, रेट्स, अवेलेबिलिटी, प्रमोशन, रिजर्वेशन, प्रॉपर्टी। हमको इस प्रॉपर्टी वाले टैब में जाना है। प्रॉपर्टी में मैंने क्लिक किया, अब इसमें एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, पर हमको जाना है एक जगह, वो है रूम डिटेल्स। हमें रूम डिटेल्स में जाना है, ये लिखा है रूम डिटेल्स, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी मेरे रूम्स बने हैं, पर आपको सिखाने के लिए मैं एक नया रूम क्रिएट करूँगा। जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे बन के आएगा, यहाँ पे बन के आएगा कि क्रिएट अ न्यू रूम, ऐसा बन के आएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये क्रिएट अ रूम में ये प्लस का निशान बना है। प्लस मतलब जोड़ो, ऐड करो, क्रिएट करो। तो मैं इस प्लस के निशान पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आ जाएगा रूम डिटेल्स, आपको पूरा रूम डिटेल्स भरना है। बहुत सरल है, सारे ऑप्शंस इसमें दिए, जस्ट हमें क्लिक करना है। जैसे पूछा है रूम टाइप, आप किस टाइप का रूम रखना चाहते हैं। जैसे मैं रखना चाहता हूँ एक सिंगल रूम। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सिंगल, डबल, ट्विन, ट्विन और डबल, ट्रिपल, क्वैड, फैमिली रूम। ज़्यादातर लोग फैमिली रूम रखते हैं, या फिर अपार्टमेंट है आपका, पूरा अपार्टमेंट देना चाहते हैं तो अपार्टमेंट रख सकते हैं। पूरा बंगलो देना चाहते हैं, बंगलो रख सकते हैं। विला है, विला दे सकते हैं। ड्रोम ड्रोम देना है, ड्रोम ड्रोम मतलब ये होता है कि आपका पूरा घर है, उसमें आपके 6-7 बेड हैं, तो आप 6-7 बेड इकट्ठा पर बेड के हिसाब से देना चाहते हैं। इकट्ठा रूम में इतने लोग सोएंगे, इस हिसाब से देना चाहते हैं, तो वो ड्रोम ड्रोम में जाता है। बेड इन ड्रोम ड्रोम भी है उसमें, उसी का एक ऑप्शन है। तो मैं इसमें बनाता हूँ सिंगल रूम। मेरे पास सिंगल रूम एक भी नहीं है, तो अभी मैं सिंगल रूम एक तैयार कर लेता हूँ। इसमें रूम नेम पूछ रहा है, तो मैं इसमें डाल दूंगा एक अच्छा सा सिंगल रूम के हिसाब से। इसमें ढूंढ लूंगा, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं देख लूंगा। ये देखिए, सिंगल रूम विद प्राइवेट बाथरूम, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं अगर कुछ कस्टम देना चाहता हूँ तो कस्टम यहाँ लिख सकता हूँ, पर मुझे नहीं देना है। आप चाहें तो दे सकते हैं। नंबर ऑफ रूम ऑफ दिस टाइप, आपके पास इस टाइप के कितने रूम हैं, तो मैंने एक सिलेक्ट किया, भाई मेरे पास इस टाइप के एक ही रूम है। स्मोक पॉलिसी, मेरे पास दोनों टाइप के हैं, मतलब इसमें तीन ऑप्शन है, नॉन स्मोकिंग, स्मोकिंग और आई हैव बोथ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग। मैंने ये दोनों में सिलेक्ट कर लिया। मैं नीचे आ जाऊँगा। रूम लोकेशन, ये कौन से फ्लोर पे है। मेरा तो जैसे कि ऊपर के फ्लोर पे है, तो अपर फ्लोर में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक कर दीजिए। दोनों फ्लोर पे है तो अपर ग्राउंड दोनों का ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद बेड ऑप्शन और एंड ऑक्यूपेसी आ रहा है, मतलब किस टाइप के बेड है वहाँ पे। तो मेरे पास वहाँ पे जैसे ट्विन बेड है, मतलब तो सिंगल आदमी के तो एक सिंगल बेड ही लगता है, तो अपन ये ट्विन बेड यहाँ पर रख सकते हैं। एक जो मैक्सिमम ऑर्डर कितने आ सकते हैं, एक आ सकते हैं। नंबर ऑफ बाथरूम कितने, एक है। ऐसा ये बाथरूम प्राइवेट है या शेयर्ड है, तो मेरा तो प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट पे क्लिक कर दूंगा। आपका शेयर है तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर वो अगर शेयर है तो कहाँ पर है, नेक्स्ट डोर में है, डाउन में है, कहाँ पर है, ये आपको सिलेक्ट करना है। अक्रॉस दी रूम है, मतलब रूम के साइड में कहीं पर है, इन हॉल द वे में है, अदर आउटसाइड पर है, कहीं पर भी, तो वैसे सिलेक्ट करना है। और अगर प्राइवेट है तो यस पे टिक करना है। अगर जैसे आपने प्राइवेट पे टिक किया तो वो पूछेगा द बाथरूम इज इन रूम, मतलब रूम में है या रूम के थोड़ा बाहर है। पर प्राइवेट भी हो सकता है, पर रूम के बाजू में भी हो सकता है। तो हाँ, रूम के रूम में ही है, मैंने यस कर दिया, दोनों में यस कर दिया है। अब मुझे कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू कर दूंगा, मेरा रूम रेडी हो जाएगा। इस तरह रूम को क्रिएट किया जाता है।
रूम क्रिएट कर लेना काफ़ी नहीं कहलाता। अभी रूम क्रिएट करने के बाद देखिए ऐसा दिख रहा है, हमको अब इसको सजाना है। इसकी इसमें क्या क्या हम एमिनिटीज़ दे रहे हैं, इसका प्राइस क्या है, इसमें अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमको अभी अपडेट करना है। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, इन यू जस्ट एडेड अ न्यू रूम, डोंट फॉरगेट टू, मतलब आप भूलिए मत कि आपको ऐड तो कर लिया, आपने क्रिएट कर लिया रूम, पर आपको अवेलेबिलिटी एंड प्राइस इन योर कैलेंडर ये अपडेट करना है। आपको रूम का साइज बताना है, फीचर्स बताना है, सर्विस अवेलेबल जो भी है वो बताना है, इन एमिनिटीज़, अपलोड फोटो इन योर फोटो टैब, फोटोज़ भी आपको अपलोड करना है, इतना सब कुछ आपको करनी है। चलिए शुरू करते हैं। वो करने के लिए हमें कहाँ जाना है वो हम बता देते हैं। अब हमको प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में हमें देखिए रूम एमिनिटीज़ दिया है इसके जस्ट नीचे, तो रूम एमिनिटीज़ में हम क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे ये रूम साइज़ हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर में भी और स्क्वायर फीट में भी। मैं स्क्वायर फीट में लिख लेता हूँ। अब इसमें देखिए ऑलरेडी सारे रूम के साइज़ दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड फैमिली रूम का यहाँ साइज़ दिया है, ये मेरे रूम के नाम है, पर मैंने जो अभी रूम बनाया है ये सिंगल रूम विथ प्राइवेट बाथरूम, ये रूम बनाया है, तो इसका मुझे साइज़ देना है। इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 165। फिर टॉप एमिनिटीज़ क्या है, जैसे एयर कंडीशनर, मेरे पास एक ही रूम में एयर कंडीशनर है, तो मैंने ये स्टैंडर्ड फैमिली रूम में ऑलरेडी टिक करके रखा है। ये सिंगल रूम में बालकनी है तो इधर टिक करना है। व्यू, आपके रूम से व्यू दिखता है तो ये सिंगल रूम में टिक कर देना है। फ्लैट टीवी है अगर आपके उस सिंगल रूम में तो इधर टिक करना है, फ्लैट टीवी है तो मैंने यहाँ टिक कर दिया है। टेरिस, तो टेरिस है तो टिक कर दिया है। जो चीज़ नहीं है तो नन में टिक कर देंगे। टॉवल्स है तो ये सिलेक्ट ऑल कर देंगे, तो सभी में सेलेक्ट हो जाएगा। लाइनन है तो अभी सिंगल में मैं जाऊंगा, सब में टिक किया हुआ है, सिंगल का मुझे डालना है, तो सिंगल वाले रूम में मैं हमारे गेस्ट को प्रोवाइड करूंगा। टॉप शीट, ब्लैंकेट एंड पिलो, ये तीन चीज़ मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और भी मुझे कुछ अपडेट करना है, जैसे ट्रैश कैन हम प्रोवाइड करते हैं। वार्डरोब बिल्कुल है, फैन है, जो जो आपको लगता है कि आपके पास है तो आपको जस्ट टिक करना है। आयरन है, हॉट टब है, मस्कीटो नेट है, जहाँ पे है वो रूम का नाम आ जाएगा, टिक करना है। प्राइवेट एंट्रेंस है, डेस्क है, सॉकेट नियर बेड है, पिलो है, फीदर पिलो, बाथटब है, शॉवर है, स्लीपर है, स्लीपर
बॉडी सोप बोले तो साबुन है, थोड़ा टाइम लग रहा है पर ये सब चीज़ आप जब करोगे प्रैक्टिकल तो यही आपको काम आने वाला है। मैं चाहता तो ये वीडियो थोड़ा कट कर सकता था पर मैं चाहता हूँ कि आप पूरा सीखें और इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। सैटेलाइट चैनल यस है, टाटा स्कैम यूज करते हैं, टीवी है, डाइनिंग टेबल है, वाइन ग्लासेस मिल जाएंगे, स्टोव टॉप है पर मुझे वहां टिक नहीं करना है। आउटडोर डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, आउटडोर फर्नीचर है, किचन मुझे सब में नहीं देना है, सिर्फ 3 बेडरूम हाउस में देना है तो मैंने लिख दिया। किचनेट भी मिल जाएगा, किचनवेयर भी मिल जाएगा, एक्सेस है, मेकअप सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, बाहर बालकनी में बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी, गलियों में शांति रहती है, क्वाइट स्ट्रीट व्यू है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है, कोई लिफ्ट नहीं है, रेज्ड टॉयलेट है, शॉवर चेयर है, ये हो गया। मैंने लगभग सब कुछ अपडेट कर दिया जो मुझे समझ में आया है, बस इसी प्रकार से आपको भी इसे अपडेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ से इसको सेव करना है, मैं ये सेव करने जा रहा हूँ, सेव करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो जो आपने टिक मार्क किया वो सेव नहीं होगा। ये सेव हो चुका है, इसमें टॉप एमिनिटीज़ में बता रहे हैं कुछ मिसिंग है तो हम एक बार जस्ट देख लेंगे क्या मिसिंग है। जैसे ये मिसिंग बता रहा है तो हम इसे सिर्फ यहाँ पे जैसे एयर कंडीशन है इसको ऑल में क्लिक कर लेंगे, बालकनी भी ऑल में क्लिक कर लेंगे, व्यू भी ऑल में क्लिक कर लेंगे, टीवी स्क्रीन टेरेस तो ऑलरेडी ऑल में है। ये जस्ट मैं आपको एक अच्छी तरकीब बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए, अगर इस प्रकार से मिसिंग लिख के आता है तो क्या करना है। फिर इलेक्ट्रिक कैटी, टॉयलेट पेपर, टॉवेल्स, लाइनन, ये सभी मैंने ऑल में टिक कर दिया है, यहाँ तक ये सब टॉप एमिनिटीज़ हैं इसलिए इसको मैंने ऑल में टिक किया है। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, देखिए अब मैं इसको ऊपर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से वो इन्फो जो आ रहा था हट गया। अब मैं इसको वापस जो एग्जैक्टली मेरे पास है, जैसे एयर कंडीशन मेरे पास सम रूम में है,
स्टैंडर्ड फैमिली रूम। बालकनी भी सिर्फ सम रूम में है। डबल रूम विद प्राइवेट एक्सटर्नल बाथरूम। यू भी डबल रूम विद प्राइवेट एक्सटर्नल बाथरूम सर्विस में है। यू फ्लैट टीवी स्क्रीन तो सभी में है, टेरिस सभी में है। इलेक्ट्रिक केटी मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, आगे जाके मैं ले लूँगा। टॉयलेट पेपर मैं जानबूझ के यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे सभ्यता के खिलाफ है। टॉवेल्स हाँ सभी में है। लेंस हाँ सभी में है। बस ये टॉप एंड एमिनिटीज़ है, ये मुझे जैसा चाहिए था अब मैंने वैसा अपडेट कर लिया है, उसको सेव कर लेता हूँ, ऊपर वैसा नहीं आएगा जैसा अभी मिसिंग इन्फो लिख के आ रहा था। यही बेस्ट वे है इसको तैयार करने का, नहीं तो आप लोग घूमते रह जाओगे कि यार उसको कैसे अपडेट करें। ये अपडेट हो गया है, देखिए अब मुझे फ़ोटोज़ में जाना है, फ़ोटोज़ रह गई हैं, मैं फ़ोटोज़ में क्लिक करूँगा। ऑलरेडी फ़ोटो मेरे पास है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी फ़ोटो ऑलरेडी डाल के रखी है। ये देखिए फ़ोटो आ रही है इसमें, मुझे जस्ट टैग करना है। और आप लोगों को जैसे कभी इसमें फ़ोटो अटैच नहीं करी है, तो देखिए ऐड फ़ोटो का ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके फ़ोटो ऐड करना है। मैं सिंगल रूम में ये वाला मेन फ़ोटो है, ये मैं टैग कर रहा हूँ। टैग करने के लिए जस्ट टैग में क्लिक किया है और वहाँ पे रूम सिलेक्ट कर देना है मुझे। जैसे ये सिंगल रूम मैंने सिलेक्ट कर दिया है, इस प्रकार से रूम सिलेक्ट करना है। मैं ये वाली फ़ोटो नहीं लेना चाहता, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। ये फोटो लेना चाहता हूँ, इसको मैं टैग करूँगा। मैंने टैग के ऊपर क्लिक किया, देखिए ये फोटो आ गई। अब ये फोटो में मुझे सामने सिंगल रूम विद प्राइवेट बाथरूम दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे सेव पे लिख के आ गया। जब सेव पे लिख के आ जाएगा तब ही मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। सेव होने का थोड़ा समय लेगा, हम थोड़ा वेट करेंगे। हो गया सेव। अब दूसरी फोटो लेंगे, ये वाली। टैग के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ये फोटो के फोटो लेना है तो सिंगल रूम में मुझे डालना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। वेट करूँगा सेव किया है, सेव आ गया। मुझे अब इसके बाजू वाली ही फ़ोटो लेना है तो यहीं पे मैं क्लिक कर दूँगा। ये देखिए ये रूम मुझे अगर लेना है तो मैं ये सिंगल रूम में क्लिक कर दूँगा, सेव आ जाएगा। आ गया, मैं इसको बंद कर दूंगा। मैनुअली लेंगे तो ज़रा स्पीड में आता है, इसलिए हम मैनुअली लेंगे। तीन फ़ोटो मैंने ले ली है, अब एक फ़ोटो और लेना है मुझे। दो फ़ोटो ले ली है, दो और लेना है मुझे। ये वाली फोटो ले लेंगे, ये सिंगल पे मैंने क्लिक कर दिया है। वेट कर लेंगे सेव्ड हो तक। सेव्ड हो गई है, हम इसको बंद कर लेंगे।
लास्ट फोटो ले लेंगे। ये ले लेते हैं मेन फोटो, क्लिक, सिंगल में क्लिक। और भी अगर मुझे कहीं ऐड करना है तो वहां भी कर सकते हैं। अब सेव का वेट करेंगे। सेव आ गया है, लेके यही काउंट होता है। इसको बंद कर देंगे। एक्चुअली सेव अभी हो रही है, चलिए फिर से कर लेते हैं उसको। इस टैग में जाके एक बार चेक कर लेंगे उसको कि बराबर आया कि नहीं आया। चारों आ गए, पांचों आ गए, सही आया। हम इसको बंद कर देंगे। हम रेट्स एंड अवेलेबिलिटी में आएंगे और उसको उसमें रेट अपडेट कर देंगे। जस्ट हमें रेट प्लान में क्रिएटिक करना है और वो रूम को हमें जस्ट उसमें ऐड कर देना है। ये रेट प्लान आ गया है हमारा, ये वाला। इसके हम ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एडिट दिया है, एडिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आने के बाद में ये रूम्स दिया है, यहाँ पे रूम्स में हम सिंगल रूम ऐड कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी सिंगल रूम ऐड है, नहीं है तो ऐड कर देना है और सेव कर देना है। रेट प्लान इसमें अटैच हो गया है। कैलेंडर में जाएंगे और रेट उसका, हमें जो भी रेट डालना है वो रेट हम उसमें अपडेट करेंगे। कैलेंडर में जाने के बाद में हम वो सिंगल रूम ढूंढेंगे। ये देखिए, ये रहा सिंगल रूम। इसमें अभी रेट नहीं डाला है तो इसमें हम ये बल्क एडिट यहाँ दिया हुआ है तो ये बल्क एडिट में हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम डेट डालेंगे। जैसे आज आज की डेट है 3 तारीख, हमें ये रेट कब तक अपडेट करना है। जैसे मुझे अक्टूबर 2021 तक अपडेट करना है तो ये 31 अक्टूबर 2021 तक डाल दिया। सभी डेट्स में रख दिया है। रूम टू सेल, हमारे पास एक ही रूम तो एक ही रूम सेल करना है। सेव चेंजेस में क्लिक कर देंगे। फिर ये प्राइस हमें डालना है। प्राइस हम लिख लेते हैं जो हमारे रूम का प्राइस है, सेव कर देंगे। रूम स्टेटस में हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर देंगे। हो गया है ये अपडेट। जैसे हमें कोई रूम को मैन्युअली हटाना है, मतलब नहीं बेचना है, तो हम उसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। जैसे ये डेट है, आज की डेट है, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, हमें मान लीजिए 4 दिन का मैन्युअली ज़ीरो करना है तो हम इसको क्लिक करके भी ज़ीरो कर सकते हैं। तो हमें जैसे यहाँ तक हमें ज़ीरो चाहिए तो ये मैन्युअली में हमने सेलेक्ट कर लिया और ये रूम टू सेल में 0 क्लिक कर लिया। और ऐसा करने के बाद में इधर पे, या इसको हम 1 भी रखें तो चल जाएगा, 1 रख सकते हैं। सिर्फ हमें ये क्लोज का जो टैब है उसमें क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये देखिए क्लोज हो गया,
7 तारीख तक क्लोज हो गया और ये 8 तारीख से हम ये रूम सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1200 रेट डाला है पर हमें 1200 में नहीं बेचना, हम चाह रहे हैं कि हम कस्टमर को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हम प्रमोशन एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर होम रेट्स एंड अवेलेबिलिटी और ये प्रमोशन दिया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्रमोशन बना हुआ है, इसको हमें सिर्फ एडिट करना है। ये प्रमोशन बना हुआ है, सिर्फ हमें ये सिंगल रूम विद प्राइवेट बाथरूम को ऐसा क्लिक कर देना है। ऐसा क्लिक किए तो जो प्रमोशन चल रहा है वो प्रमोशन उसके ऊपर आ जाएगा और रिव्यू योर प्रमोशन में क्लिक करके सेव करें। और जैसे आपको नया प्रमोशन बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं हमारे और भी वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हमारी प्रॉपर्टी पूरी तरह बन के तैयार हो गई है। जैसे अभी हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है तो ये तुरंत अपडेट नहीं होती, 5 से 7 मिनट लगता है, और फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं प्रॉपर्टी बनी है नहीं बनी। ये मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ booking.com, इसमें जबलपुर डाला हुआ है 8 से 9 एक आदमी के लिए, मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे और ये सर्च कर दूंगा 1 or 1 room। इसमें काफ़ी सारे होम स्टे है और हमको जायसवाल होम स्टे देखना है। ये आ गया जायसवाल होम स्टे, उसमें सी अवेलेबिलिटी में क्लिक करेंगे। ये एक आदमी के लिए बना है, इसमें अपडेट नहीं हुआ है, मैंने बताया ना इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़े समय बाद ये अपडेट हो जाएगा फिर आप देख सकेंगे। जैसे मान लीजिए एक आदमी का है तो एक आदमी में ऐसा रख के यहाँ पे डालेंगे कि अपने को कितने रूम चाहिए, और ये आई रिजर्व में क्लिक कर देंगे तो सामने वाले की बुकिंग हो जाएगी। फिर से देखते हैं रिफ्रेश किया है पेज को, अगर नहीं आया है तो कुछ देर में आ जाएगा, थोड़ा समय लगता है उसमें। अभी भी नहीं आया है पर कुछ देर में आ जाएगा प्रोसेस ही। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, आप कल या परसों में कभी भी देख लीजिएगा, आपको रूम बन के तैयार है। धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे वीडियो इतने ही डिटेल्स में डालने वाला हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ और दूसरों को भी सिखा पाएँ। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, और अगर उससे सबका फ़ायदा हो सकता है तो उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद। जायसवाल होम्स।